हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप मजे में होंगे। आपको मैंने अब तक IUPAC ख़त्म किया था और इसके बाद आइसोमेरिज्म का चैप्टर शुरू कर दिया था, जिसके आइसोमेरिज्म के चैप्टर में मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के चार पार्ट पढ़ा दिए थे। जो पांचवा पार्ट था टॉटोमेरिज्म, वो आगे हम GUC में डिस्कस करेंगे। ओके, और आज हमें एक नए टॉपिक पढ़ाना है जो कि है नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इसमें बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। इवन दैट जब मैं खुद पढ़ रहा था तब मुझे भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी में था कि जब हम काउंटिंग करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की, तो कोई ना कोई एक छूट जाता है, नहीं तो एक हम ज़्यादा बना देते हैं। ठीक है, तो करेक्ट नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हम कैसे बनाएंगे, आज हम यही देखेंगे। देखते हैं, अगर देखिए टॉपिक का नाम है नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो अगर आपको सवाल ऐसा दिया जाए, ध्यान से समझिएगा, अगर मान लीजिए कि उस जो क्वेश्चन आया हुआ उसमें तीन कार्बन है, तो तीन कार्बन की कंडीशन में दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी ये कि उसका DU जो है या तो जीरो होगा या तो उसका DU1 होगा। अब ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि DU1 या 0 ही आएगा, ऐसे करके DU2, 3, 4 आएगा, लेकिन मैं 2 डिस्कस कर रहा हूँ सिर्फ, क्योंकि मैक्सिमम या मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस सिर्फ DU0 और DU1 पर आते हैं। मतलब ये क्या है, DU0 का मतलब ए साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, और DU1 का मतलब क्या होगा, कोई एक साइक्लिक कंपाउंड होगा। ठीक है, देखिए अगर कार्बन तीन दिए हूँ तो उसे ए साइक्लिक बनाने का सिर्फ एक तरीका है, वो इस तरीके से। तीन कार्बन आप इस तरीके से लगा सकते हो। अगर आप साइक्लिक में जाओ तो सिर्फ एक साइकिल बना सकते हो, है ना, तो एक साइकिल बना सकते हो तीन कार्बन से, या तो एक ऐसा ओपन कर सकते हो। अगर मान लीजिए अगर सवाल इस तरह से आ जाए कि भैया C3H8 का स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाइए, तो क्या बनाएंगे, C3H8 को निकालिए, DU कितना आ जाएगा, जीरो। कैसे निकालते हैं DU? अगर आपको DU कैलकुलेट करना नहीं आता तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप DU कैलकुलेट करना सीख जाएंगे। ओके, तो यहां पर देखिए DU कैसे कैलकुलेट करते हैं। DU इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन होता है प्लस वन, नंबर ऑफ कार्बन प्लस वन माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई टू, तो 4 - 4 इज इक्वल टू जीरो। अब DU जीरो ये बताता है कि वो कंपाउंड कैसा है, ए साइक्लिक है। अगर ए साइक्लिक है तो तीन कार्बन को लगाने का सिर्फ एक तरीका है, ठीक है। और अगर DU1 है, जैसे मान लीजिए आपसे ये पूछ लिया जाए C3H6 में बनाइए, लेकिन वहां पर बोला जाए आपसे कि वहां पर साइक्लिक बनाना है, क्या बनाना है, साइक्लिक बनाना है, ठीक है, C3H6 में साइक्लिक बना, अगर ए साइक्लिक बनाना है उसको आगे पढ़ा दूंगा, अभी साइक्लिक बनाना हम पढ़ रहे हैं। अब मान लीजिए ये था C3, अगर मान लीजिए आपने कितना ले लिया, कार्बन 4 ले लिया, तो कार्बन 4 में क्या पॉसिबिलिटी है, पहली पॉसिबिलिटी ए साइक्लिक के अंदर ये है कि आप चार कार्बन को सीधा लगा दीजिए, या दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि तीन कार्बन को सीधा लगा करके एक यहाँ पर लाइन बना दीजिए। तो देखिए यहाँ भी चार कार्बन हो जाएगा, यहाँ पर चार सीधी में और यहाँ पर 1, 2, 3 तीन कार्बन इस तरीके से हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसमें आइए DU1 में अगर चार कार्बन को लेकर के बनाना हो तो हम क्या बनाएंगे, देखिए पहले हम क्या बनाएंगे, 4-membered ring बना देंगे, क्योंकि वहां पर क्या आ रहा है, DU1 आ रहा है, ठीक है। दूसरा क्या बना सकते हो, एक 3-membered ring बना करके एक CH3 यहां पर ऐसे लगा सकते हो। तो यहां पर भी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है और यहां पर भी दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालना हम सीख रहे हैं। जैसे कोई पूछ ले कि बताओ भैया C4H10 में कितने नंबर ऑफ आइसोमर्स होंगे जो कि स्ट्रक्चरल होंगे, तो आप क्या बताएंगे, इसमें दो पॉसिबल हैं। सेम वे में अगर ये पूछा जाए C4H10 में साइक्लिक वाले कितने आइसोमर्स बनेंगे, तो आप बताएंगे दो बनेंगे, ठीक है। ओके, तो आ जाते हैं यहां पर। अगर मान लीजिए हमने C5 ले लिया, कार्बन नंबर अगर 5 ले लिया, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, देखेंगे ध्यान से। आप 5 कार्बन को सीधा बनाइए, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 कार्बन को सीधी चेन में लगाइए। अब अगले बार में 4 कार्बन को सीधी चेन में लगाइए, कितने कार्बन को, 4 कार्बन को सीधे चेन में लगाइए और एक उस पर सब्स्टिट्यूएंट लगा दीजिए। देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 5 हो गए, है ना। अब सेम वे में यहाँ पे कितना था, 5 कार्बन को सीधा किया, यहाँ 4 कार्बन को, अब यहाँ पर 3 कार्बन को सीधी चेन में रखिए और 2 को ऐसे ब्रांच में बना दीजिए, ठीक है। तो मैं इसलिए ये सिखा रहा हूँ क्योंकि गलती ना हो, हमेशा करेक्ट जवाब निकले। अगर आप ये फॉलो करेंगे कभी गलती होगी ही नहीं। ओके, देखते हैं। तो यहाँ पर आपसे कोई पूछ ले कि भैया बताइए C5H12 के कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं, तो आप बताएंगे ये 3 आइसोमर्स पॉसिबल हैं। अगर यही सवाल पूछा जाए साइक्लिक में कि C5
C5H10 के कितने साइक्लिक आइसोमर्स बनेंगे, साइक्लिक आइसोमर्स बनेंगे, DU आप निकाल के देखिए वन आ जाएगा यहाँ पर। तो देखिएगा, ध्यान से समझिए, अब आपको क्लिक करना शुरू हो जाएगा कि C5 है तो पहले क्या करिए, 5 मेंबर्ड रिंग बनाइए, 5 मेंबर्ड रिंग बनाने के बाद फिर 4 मेंबर्ड रिंग बनाइए, और 4 मेंबर्ड रिंग में एक बाहर निकाल दीजिए तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट कितना हो जाएगा, बोलिए कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सेम वे में आप 3 वाला बनाइए, 3 में बना तो रहे हैं आप, 3 यहाँ बना लीजिए और इसके बाद 2 कार्बन को एक साथ पहले बाहर रखिए, ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 5। सेम वे में आप ऐसा कर सकते हो कि आप दोनों को तोड़ करके यहाँ रख दो, मतलब एक को यहाँ रख दो, ठीक है, और आप अगला क्या कर सकते हो, सेम वे में एक यहाँ रख लो और एक यहाँ रख लो, ठीक है। अब आप सोच के देखिए, क्या इसके अलावा कुछ और पॉसिबिलिटी है साइक्लिक बनाने की। देखो, कार्बन नंबर 2 से तो कुछ बनेगा नहीं, क्योंकि 2 कार्बन मिला के कभी कोई रिंग बनता ही नहीं है, तो क्या बनाएंगे, C5 बनाया, C4 में इकलौता एक ही पॉसिबल है। जब हम C3 में आते हैं, मतलब 3 कार्बन वाला बनाएंगे, तो 3 कार्बन की रिंग में 2 बाहर कर दिया तभी ये 3 और ये 2 5 हो जाएगा, और इसको यहाँ यहाँ रख दिया तब भी हो जाएगा, एक यहाँ और एक यहाँ रख दिया, अगर ये लाइन आप यहाँ रखाना चाहते हो ना तो यही बन जाएगा, ठीक है, 1 2, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि C5H10 के कितने साइक्लिक बनेंगे, तो आप क्या जवाब देंगे, 5 बनेंगे। शायद इतना पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अगर मान लीजिए आपको एक ऐसा कंपाउंड दिया जाता है जिसमें कार्बन नंबर 6 हो, मतलब 6 कार्बन प्रेजेंट हो, तब कैसे लगाएंगे, तो C6 के लिए कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर मैं ए साइक्लिक वाला लिख रहा हूँ और यहाँ पर साइक्लिक वाला, ठीक है। तो अगर ए साइक्लिक के फॉर्म को लिखें तो 6 कार्बन को पहले क्या करिए, 6 कार्बन को सीधी चेन में रखिए, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन को सीधे चेन में रख लिया। इसके बाद आप क्या करिए, 5 कार्बन को सीधे चेन में रखिए, 1 2 3 4 5, और एक को यहाँ बना दीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या करिए, फिर से 5 में बनाइए, क्यों बना रहे हैं भी आपको समझ में आ जाएगा, 1 2 3 4 5, और एक बीच में बना दीजिए। देखिए ये और ये एक दूसरे से अलग हैं, क्यों, क्योंकि ये 2 पोजीशन पर है, जबकि ये देखो 1 2 और 3 पोजीशन पर है, तो ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। और कोई आइसोमर पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सेम है, केवल यही अलग था, यहाँ आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ बढ़ाओगे तो ये बन जाएगा। तो हमने क्या किया, पहले 6 कार्बन की सीधी बनाओ, फिर 5 कार्बन की सीधी बनाओ, फिर 4 कार्बन की एक सीधी चेन बना लो, 4 कार्बन की सीधी चेन पे क्या बनेगा ऐसा, ठीक है। फिर आप क्या करिए, 2 एक साथ लगा दीजिए, ठीक है, 4 कार्बन पहले बनाइए, देखिए 4 में फिर से बनाया, 2 एक साथ लगाया, आप क्या करो, दोनों को अलग अलग कर दो, इतनी बात समझ में आ रही है। तो यही 5 लोग पॉसिबल हैं, कब, जब C6 का हम क्या बनाएंगे, ए साइक्लिक बनाएंगे, जब C6 का ए साइक्लिक फॉर्म बनाएंगे तो ये 5 आइसोमर्स पॉसिबल है। मतलब आपका मॉलिकुलर फार्मूला आपके पेपर में दिया होगा C6H14 के कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं, तो देखिए इस तरह से 5 आइसोमर्स पॉसिबल हैं। कैसे लगाएंगे, बहुत ही आसान है, आप क्या करिए, 6 कार्बन को सीधा रखिए, फिर 5 कार्बन को सीधा रखिए, देखो 5 कार्बन को सीधा रखने पर 2 बनेगा, 4 कार्बन को रखने पर कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, तो इसको बस पोजीशन, इसको मिथाइल को बदल दीजिए, ओके। तो आइए साइक्लिक बनाते हैं, क्या बनाना है, साइक्लिक। तो साइक्लिक के लिए आपको पेपर में दिया जाएगा C6H12। अब पूछा जाए C6H12 के कितने साइक्लिक आइसोमर्स आप बना पाएंगे, तो ध्यान से सुनिएगा, इसको कैसे बनाएंगे भैया, 6 कार्बन को पहले एक रिंग में डाल दो, 6 कार्बन की एक रिंग बनाएंगे, क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सीन, फिर क्या करो, 5 कार्बन की एक चेन बना लो, ठीक है, और 5 से सिर्फ एक बनेगा, बाकी कोई दूसरा आइसोमर तैयार नहीं हो सकता। लेकिन अगले में ध्यान देना, अब मान लीजिए मैं 4 कार्बन की लूँ तो 2 को मुझे बाहर बनाना पड़ेगा, ठीक है, अब अगला फिर से 4 बना लूँ तो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर रखना पड़ेगा, देखिए 2 को एक साथ बाहर किया, अब एक एक को एक साथ किया, अब अगले बार में हमें क्या करना है, एक को यहाँ रखो और एक को यहाँ रखो, ठीक है, और अगली उसके और बनाना चाहते हो तो क्या करेंगे, देखिए एक यहाँ रख दो और एक यहाँ रख दो, ठीक है। तो जब कार्बन नंबर 4 लेंगे, मतलब 4 मेंबर रिंग में, ये 4 पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती, ठीक है। लेकिन कार्बन नंबर 3, तो मैं 3 वाले को इधर बना रहा हूं, मान लीजिए 6 3 मेंबर रिंग को देखिएगा, इतना ऊपर वाला जो था वो क्या था, ए साइक्लिक का, साइक्लिक का थोड़ा ज़्यादा बनता है, तो 1 2 3 4 5 6 6 हमने बना लिए हैं, और हमें 3 वाले देखिए कितने बनाने पड़ेंगे,
अभी काउंटिंग हमने मैं नहीं बताऊंगा, आप निकालेंगे इसको। देखिए तीन कार्बन का ये चेन बनाया साइक्लिक, इसके बाद तीन को बाहर लगा दीजिए तो टोटल छः हो गए, ठीक है। फिर से सेम वे में थ्री बनाइए, अब की बार दो बाहर कीजिए, पहले बाहर तीन थे, अब दो करके एक बाहर कर दीजिए। फिर क्या करेंगे, तीन को यहाँ रखिए, फिर दो को यहाँ रख करके एक को यहाँ रख दीजिए। देखिए दो को कहाँ रखा, यहाँ पे, और इसको उठा के यहाँ रख दिया। इतनी बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है ना। सेम वे में हम अगला क्या कर सकते हैं, अब यहाँ थ्री वाला तो हम निपटा दिया, देखिएगा टू वन का तो बना दिया, थ्री बाहर हो गया। अब क्या करिए, अब एक काम कर सकते हो कि इसको तोड़ दीजिए, ध्यान सुनिएगा, इसको इस तरीके से लिख सकते हो, इन दोनों को एक साथ लीजिए और इनको एक साथ ले लीजिए। क्या क्या हमने बाहर तीन लोग लगाने थे इस रिंग पे, बाहर तीन लोग, तो एक दो तीन, तीन ये बाहर लग गए क्या, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएंगे अपने आप चीज़ें, मतलब समझ समझ के हो जाएंगे आपसे, ठीक है। अब अगला देखिए क्या क्या कर सकते हैं, अब दोनों एक साथ थे ना, तो क्या करिए सबको अलग अलग कर दीजिए। देखिए पहले क्या थे, दो एक साथ थे, एक अलग था, अब सबको मैंने अलग कर दिया, ठीक है। और एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर बताइए और क्या बनेगा, आप यहाँ पर ऐसा भी बना सकते थे कि ऐसा बना करके ऐसा वी बना दीजिए, थ्री बाहर था, अभी भी थ्री बाहर है, देखिए अभी भी तीन बाहर है, लेकिन कैसा बना, वन टू थ्री, थ्री बाहर है, लेकिन ये क्या है, नॉर्मल चेन, और ऐसा आइसो वाला बन रहा है, अगर आप आइसो समझते हो, ठीक है। तो कितने बन गए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो थ्री वाले सिक्स हो गए, और ये टोटल कितने थे भाई, सिक्स, तो टोटल कितने आ गए, ट्वेल्व आइसोमर्स आएंगे, कितने आएंगे, ट्वेल्व आइसोमर्स आएंगे जो कि साइक्लिक बनाएंगे। बोलो भाई ठीक है क्या, ओके। अब एक चीज़ समझना इसको ध्यान से, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप सी सिक्स सीख गए तो आपको सी फाइव सी फोर बनाना बहुत ही आसान लगेगा। चलिए देखते हैं, सी सिक्स में दोबारा पढ़ा रहा हूँ, ए साइक्लिक होने की कंडीशन क्या होगी, सी सिक्स एच फोर्टीन दिया होगा, तो तुरंत जैसे कुछ दिया जाए मॉलिकुलर फार्मूला, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालोगे, हाँ जीरो आएगा, कैसे जीरो आएगा, नंबर ऑफ कार्बन प्लस वन माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई टू, देख लीजिए कितना आएगा, जीरो, सेवन माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो। अगर ए साइक्लिक है तो कैसे बनाएंगे, छः कार्बन को सीधे चेन में, पांच कार्बन को सीधे चेन में, दो बार रख सकते हैं, इसके बाद मिथाइल ग्रुप को घुमा दीजिए, फिर चार कार्बन को सीधी चेन में रख करके दो मिथाइल ले जाना, दो को अलग अलग कर लीजिए, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज हैं साइक्लिक वाले में, हमें क्या करना है, छः कार्बन को एक साथ लगा दीजिए, फिर पाँच को एक साथ, फिर चार को एक बार साइकिल में लगाइए, तो चार के चार पॉसिबिलिटीज आएंगे, लेकिन थ्री वाले के छः पॉसिबिलिटीज आएंगे, तो सिक्स फोर एंड ये टू मिला के टोटल हो जाएगा 12 आइसोमर्स, ओके। तो अभी तक मैंने ये समझाया कि आप क्वेश्चन को टैकल कैसे करेंगे, अब मैं लेके आता हूँ कुछ सवाल जिसको आप करके देखेंगे समझेंगे, तभी ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर फॉलोइंग मॉलिकुलर फार्मूला। ये दो मॉलिकुलर फार्मूले आपको दिए गए हैं, इन दोनों में आपको बताना है इसके कितने नंबर ऑफ आइसोमर्स पॉसिबल है। देखते हैं, ऐसे सवाल पेपर में आते हैं, देखिए करने का तरीका जो सिखाया है आप उसी पर इंटैक्ट रहिए, विश्वास मानिए कभी गलत नहीं होगा। इसमें आप हमेशा एक चीज पर फोकस किया करिए, नंबर ऑफ कार्बन कितने, तो यहां से निकल के बाहर आया कितने कार्बन भैया, सी फोर आ रहा है, ठीक है। ये करने से पहले आप एक चीज कर सकते हो कि इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल दो, इस सिस्टम का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालोगे क्या आएगा, फोर प्लस वन, नंबर ऑफ कार्बन कितना है फोर प्लस वन, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ हैलोजन, हैलोजन मतलब क्या होता है, क्लोरीन ब्रोमीन, तो यहाँ पर क्लोरीन दिया है, तो डिवाइड बाई टू कर लेंगे तो कितना आएगा, देखिए 5 माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब डी यू जीरो है, अगर डी यू जीरो है तो क्या है ये, ए साइक्लिक कंपाउंड बनाना है, ठीक है, ए साइक्लिक मतलब यहाँ पे कोई साइकिल नहीं बनेगी, ओके। तो C4 वाले वो बताइए जो ए साइक्लिक वाले हम बनाते थे, तो बताइए C4 में कैसे बनाते थे, चार कार्बन को हम ऐसा सीधा लेते थे और दूसरे वाले में तीन कार्बन को सीधा लेते थे और एक कार्बन को हम यहाँ लगा देते थे। C4 में बस दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये और या तो ये, ठीक है, शायद बात समझ में आ रही होगी। तो C4 को देख करके पहले आप ये जज करेंगे, फिर देखिए इस पर क्लोरीन लगा हुआ है, तुरंत आप क्या करिए, क्लोरीन कहाँ कहाँ लगता है, क्लोरीन को हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हटा करके आप क्लोरीन लगा सकते हो, मतलब आपको करना क्या है, इसमें अलग अलग पोजीशन ढूंढनी है जहां पर आपको क्लोरीन लगाया जा सके, ठीक है। अब सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बना करके आप नहीं पेपर में बता पाओगे, ये बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं टैकल करना सिखा रहा हूँ, समझ में आना चाहिए पहले। देखिए अगर इसको देखिएगा, ये वाला कार्बन और ये किनारे किनारे के दोनों कार्बन सेम है, मतलब आइडेंटिकल है बिहेवियर में, ये और ये, अगर ये दोनों सेम हैं तो मतलब हम इन दोनों में से एक को चूज कर लेते हैं। अब देखिए ये और ये कार्बन, ये दोनों क्या है, सेम है, तो मैं इनमें से एक चूज कर लेता हूँ,
इतनी बात समझ में आ रही है? एक बार यहाँ चूज किया, एक बार यहाँ। अब इसमें देखिए, यहाँ किनारे वाले हाइड्रोजन को यहाँ पे देखिए, CH3, 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 ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, ये तीनों कार्बन सेम है, तो मैं इनमें से सिर्फ एक को चुन लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगाया जा सकता है, ठीक है। अब आपको समझ में आना चाहिए कि कितने आइसोमर्स बनेंगे। जितनी जगह पर मैंने ये बनाया हुआ है, तो 1, 2, 3, 4, इसके चार आइसोमर्स बनेंगे, ये आपको डायरेक्टली बताने का तरीका बता रहा हूँ। लेकिन अगर पूरा समझना है तो देखिए कैसे लिखेंगे। तो पहले आप क्या करिए, चार कार्बन बना लीजिए, ठीक है। चार कार्बन दो बार बनाइए, क्योंकि दो आइसोमर्स बनाने हैं। तो पहला आइसोमर, दूसरा आइसोमर, ध्यान समझना। यहाँ पर हमें क्या लगाना है, क्लोरीन। देखिए ये एक स्ट्रक्चरल आइसोमर जब हो जाए, स्ट्रक्चरल आइसोमर होगा विद रिस्पेक्ट टू इसके, एक बार आप क्लोरीन को क्या करिए, यहाँ लगा दीजिए। तो ये दोनों देख लीजिए क्या है, एक दूसरे के आइसोमर, से दो यहाँ से बन जाएंगे और दो यहाँ से बन जाएंगे। तीसरा देखिए क्या बनेगा, एक आप यहाँ से क्या करिए, क्लोरीन बना दीजिए। चौथा क्या करिए, ऐसा बनाने के बाद एक क्लोरीन यहाँ बना दीजिए। समझ में आ रही बात? देखिए ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं। अब सबको देखिएगा एक बार, जो ये 1 बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया, 4, ये सब एक दूसरे से एकदम अलग हैं। तो हम क्या बता रहे हैं, इसके चार आइसोमर्स पॉसिबल हैं, शायद समझ में आ गया होगा। अब मैं अगली लाइन पर आऊँगा, जो कि है C4H7X। C4H7X उसे बगल में लिखा हुआ है, इसके साइक्लिक, मतलब इसके साइक्लिक आइसोमर्स ही बनाने हैं, इसका ए साइक्लिक नहीं बनाना है। तो एक बात समझ लीजिए, वहाँ पर DU जरूर 1 आ रहा होगा। चेक कर लेते हैं, नंबर ऑफ कार्बन कितने, ये X का मतलब यहाँ पर भी आप ब्रोमीन ले लीजिए, चलिए ठीक है। तो C4 का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ कार्बन प्लस 1, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ हैलोजन डिवाइड बाई 2, तो 5 - 4 = 1। इसका मतलब DU कितना आ गया, अगर DU 1 आ गया, इसका मतलब साइक्लिक हम बना सकते हैं, ओके। अगर साइक्लिक बना सकते हैं, ध्यान से सुनना, हमने हर बार आपको सिखाया, अगर साइक्लिक बना सकते हैं तो आप क्या ढूंढिए, पहले नंबर ऑफ कार्बन ढूंढिए। C4 में अगर आपको C4 लिखा मिल जाए, तो मतलब आपको क्या करना है, चार कार्बन के लिए साइक्लिक वाला फॉर्म बनाना है। अब चार कार्बन के लिए पहला साइक्लिक फॉर्म आप क्या बनाएंगे बताइए। देखिए 1, 2, 3, 4, चार कार्बन की एक साइकिल ये बना सकते हो। इसके बाद आप क्या करोगे, तीन कार्बन की एक चेन बना लो, मतलब तीन कार्बन का एक बना लो साइकिल फॉर्म, और एक ऐसे लगा लो। इसमें भी टोटल कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान से समझना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ब्रोमीन लिखा हुआ है। ब्रोमीन का मतलब क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। हैलाइड्स को हम कैसे लगाते हैं किसी सिस्टम में, हाइड्रोजन को हटा करके हम ब्रोमीन लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि ब्रोमीन के लिए भी हमें सिंगल बॉन्ड बनाना होता है, और हाइड्रोजन के लिए दोनों की वैलेंसी 1-1 होती है, ठीक है। ध्यान से समझना, अब हमें इसमें ये चेक करना है कि कितने अलग अलग टाइप के हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट हैं। देखिए यहाँ, यहाँ, यहाँ और ये सारे कार्बन, चार के चारों कार्बन आइडेंटिकल हैं, एकदम करेक्टली सिमिलर हैं, इसलिए इनमें से कोई भी एक आप चुन सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें आइए, इनके बाहर वाला ये देखिए अलग है, किससे, इससे, इससे या इससे, तो ये वाला अलग है। लेकिन यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ का भी हाइड्रोजन हटा करके ब्रोमीन लगाया जा सकता है। यहाँ का भी ब्रोमीन हटा के, यहाँ हाइड्रोजन हटा के ब्रोमीन लगेगा। लेकिन देखिए ये और ये सेम है, इसलिए हम इसमें से एक सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर आइसोमर्स बना दीजिए, चलिए देखते हैं इनमें क्या करेंगे। अगर आप ऐसा बनाएंगे तो आपको यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, इस तरह से ब्रोमीन। अब इसको बनाएंगे तो दूसरा वाला क्या बन जाएगा, दूसरा वाला बन जाएगा 3-membered ring, और इस पर क्या लगा देंगे, ब्रोमीन, ठीक है। फिर इसमें से अगला देखिए क्या होगा, 3, जो इस वाले पॉइंट को कोरिलेट करेगा। क्या बनाएंगे, ऐसा बना दीजिए और यहाँ पर क्या लगाइए, ब्रोमीन। और इस वाले पॉइंट को क्या बनाएंगे, आप ऐसा बना करके इस वाले पॉइंट पर क्या लगा दीजिए, ब्रोमीन, ठीक है। तो देखिए साइकिल में कितने बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4। तो निकालने का तरीका आपको क्या होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि स्टार या ये जो मैं लगा रहा हूँ वो कैसे अलग अलग कार्बन को हम पता करते हैं। अगर आपको ये पता करना आ रहा है, इसका मतलब आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है पेपर में, डायरेक्टली ये बनाइए दोनों और स्टार देख लीजिए कहाँ कहाँ लगाना है। यहाँ हमने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग सिमिलर थे, लेकिन इसमें हमने 3 लगाया, क्यों, क्योंकि तीनों अलग अलग थे, ठीक है। तो शायद आपको ये ब्रोमीन या क्लोरीन ऐसे सवाल करने समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अगला एल्कोहल को देखते हैं। अगर आपके पास ये क्वेश्चन हो कि हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल विद द फॉलोइंग मॉलिकुलर फार्मूला, कौन सा मॉलिकुलर फार्मूला होगा, देखिए C4H10O का अगर एल्कोहल फॉर्म बनाना हो या उसी C4H10O का ईथर फॉर्म बनाना हो, तो कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल हैं, हम उसको देखेंगे। तो पहले हर बार जो सिखाता हूँ मैं आपको क्या करना है, यहाँ पर जितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है उसको आप लिख लीजिए। उसको लिखने से पहले चलिए DU निकाल देते हैं। DU कितना आएगा देख लीजिए, नंबर ऑफ कार्बन प्लस 1, नंबर ऑफ कार्बन प्लस 1 माइनस
नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई टू, तो डी यू कितना आ गया, जीरो। मतलब वहां पर कोई साइकिल नहीं बनानी है और कोई भी डबल बॉन्ड नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। ओके, तो सी फोर के लिए देखिएगा, सी फोर के लिए हमें क्या बनाना है, ओपन चेन बनाना है। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि हमारा कंपाउंड ए साइक्लिक होना चाहिए। तो देखिए ए साइक्लिक में हमें क्या करना है, चार कार्बन हम इस तरह से बना सकते हैं और तीन कार्बन इस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए ये दो पॉसिबिलिटीज मैंने पहले ही पढ़ा दिया है कि सी फोर के लिए क्या लिखते हैं, चार कार्बन लिखिए, वन टू थ्री फोर, इसके बाद वन टू थ्री लिखिए और एक को यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, आपको बनाना क्या है, एल्कोहल। एल्कोहल में क्या प्रेजेंट होता है, OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो कहीं पर OH ग्रुप कैसे लगाते हैं, हाइड्रोजन हटाइए उसकी जगह पे OH लगा दीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है उसमें, देखिए यहां पर जितने अलग अलग टाइप के कार्बन है पहले उसको ढूंढ लीजिए। ठीक है, देखिए ये कार्बन और ये किनारे वाला, ये कार्बन और ये कार्बन सेम है, उसमें से मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। ये कार्बन और ये कार्बन सेम है तो उसमें से मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये दो जगह आप OH लगा सकते हैं और अलग अलग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर आप अगर देखें तो वन टू थ्री, इन तीनों कार्बन की स्थिति क्या है, सेम दिख रही है। तो यहाँ पर भी आप OH लगा सकते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो ये तीनों चीज़ें सेम है, इसलिए हमने क्या किया, एक सेलेक्ट कर लिया। और अगला क्या है, यहाँ पर H था तो यहाँ पर भी एक बनाया जा सकता है। ठीक है, एक दो तीन चार, आप डायरेक्टली बता सकते हो कितने एल्कोहल बनेंगे, चार एल्कोहल बनेंगे। कैसे बनेंगे, जज करते हैं, देखते हैं एग्जांपल बना करके। ठीक है, तो देखिए एक क्या करिए, यहां पर OH लगा दीजिए। ठीक है, दूसरा OH कहाँ लगाइए, यहाँ नीचे की तरफ। देखिए एक OH हमने यहाँ लगाया, दूसरा OH हमने यहाँ लगा दिया। ये दोनों अलग अलग है ना भाई, कैसे अलग है, ये कार्बन नंबर वन पर प्रेजेंट है और ये कार्बन नंबर टू पर, ये वन टू। ठीक है, तो ये दो इससे बन जाएंगे। चलिए इससे बना करके देखते हैं, अगर आप इससे बना करके देखेंगे तो आप अगर इस वाले को देखो, इस वाले पर आप क्या लगा सकते हो, OH लगा सकते हो। दूसरा आप क्या बना सकते हो, सेम वे में ये बना करके इस पर OH लगा दो। बात समझ में आई क्या, देखिए ये और ये दो पॉसिबिलिटीज और मिल रही हैं। तो देखिए दो यहाँ पे, जैसे हमने पढ़ा कि वन टू थ्री फोर, उसी तरीके से इधर देख लीजिए चार बन पा रहे हैं और हम शायद समझ पा रहे होंगे कि OH को कैसे लगाते हैं। मैं अलग अलग फंक्शनल ग्रुप को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिरकार आपके सामने एल्कोहल बनाने को आ जाए तो सवाल को आप कैसे टैकल करेंगे, कैसे कर पाएंगे। चलिए अगला, अगर मान लीजिए ईथर हो, आप बताइए ईथर क्या होता है, ईथर के अंदर कार्बन ऑक्सीजन कार्बन का बॉन्ड प्रेजेंट होता है, शायद ये बात आपको पता होगी, बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है हमने ईथर को। ओके, अब यहां पर देखिए सी फोर को देखेगा, यहां भी वही कहानी है, सी फोर को देखा, कार्बन नंबर पता चला, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल रखा है, जीरो आएगा। जीरो आएगा मतलब हमको क्या करना है भैया, ओपन चेन बनाना है। तो दो तरीके का ओपन चेन बनाया जा सकता है, ये और ये। लेकिन आप बताइए ईथर बनाने के लिए आपको ऑक्सीजन कहाँ रखना होता है, दो कार्बन के बीच में, दो कार्बन के बीच में ऑक्सीजन, मतलब हमें दो अलग अलग कार्बन ढूंढने हैं, मतलब टू डिफरेंट कार्बन ढूंढो और उसके बीच में क्या डाल दो, ऑक्सीजन। देखते हैं, तो आप समझने की कोशिश करिएगा, पहले अलग अलग कार्बन ढूंढिए। तो देखिए एक बार आप ऑक्सीजन इसमें डाल सकते हैं, इन दोनों कार्बन के बीच में ऑक्सीजन डाल दीजिए, या तो आप इनके दोनों के बीच में डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर डालेंगे ऑक्सीजन तो अलग प्रोडक्ट होगा, यहाँ पर बनाएंगे तो एक अलग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे। लेकिन अगर आप यहाँ डालेंगे तो यहाँ वाला और यहाँ वाला सेम हो जाएगा, इसलिए हमने ये दो बनाए यहाँ पर। शायद बात समझ में आ रही हो। ओके, अब इसमें देखिए इस वाले में कितने कार्बन है, वन टू थ्री फोर, यहाँ पे चार कार्बन प्रेजेंट है। तो हमें क्या करना, देखिए ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, ये सब सेम है, इसका मतलब इसमें से कहीं पर भी आप ऑक्सीजन डाल सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर ऑक्सीजन डाला तो अब देखते हैं कितने ईथर पॉसिबल हैं, बना करके चेक करिए। चलिए पहला बनाएंगे, क्या बनाएंगे भाई, आप अगर ये वाला ले लीजिए, ये वाला मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है पहला। तो देखिए इसको हमने क्या किया, इसके बीच में एक ऑक्सीजन डाल दिया, इस लाइन को हमने आगे बढ़ा दिया यहाँ तक पहुँच के, अब इसके बाद ये बना दो। हमने क्या किया, वन टू थ्री फोर, चार कार्बन उसके बीच में एक ऑक्सीजन डाल दिया, तो ये एक ईथर बन जाएगा। अब इसके बाद ये वाला बनाता हूँ, सेकेंड वाला, सेकेंड इसको बनाऊंगा कैसे, देखिए पहले यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं थी, इसके बाद एक ऑक्सीजन बना करके इस लाइन को सेम कर लो। देखो ये दोनों अलग हैं, क्यों, क्योंकि इस ऑक्सीजन के इधर केवल एक कार्बन है और इस ऑक्सीजन के इधर दो कार्बन, उधर भी दो कार्बन है, तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे इधर। ठीक है, शायद समझ में आ रहा हूँ। सेम वे में आप थर्ड पॉइंट यहाँ पर बना सकते हो, क्या बनाओगे बताओ, आपको ये बनाना है कि आप ये लाइन ऐसे बना लो, बनाने के बाद इसको ऑक्सीजन और इसके बाद ऐसा कार्बन बना दीजिए,
शायद समझ में आ रहा हूँ, ठीक है। आप बताइए कितने पॉसिबल ईथर होंगे, तो हम बोलेंगे भैया 3 ईथर पॉसिबल हैं इस C4H10O के मॉलिकुलर फॉर्मूले से। शायद समझ में आ रहा हो, बहुत ही आसान है। टैकल करने की कोशिश समझो कि कैसे करना है। जैसे ईथर दिखे तो दिमाग में क्लिक करना चाहिए, दो डिफरेंट कार्बन के बीच में ऑक्सीजन आएगा, तो दो डिफरेंट कार्बन लो उसमें ऑक्सीजन, दो डिफरेंट कार्बन उसके बीच में ऑक्सीजन, दो डिफरेंट कार्बन उसके बीच में ऑक्सीजन, ठीक है। ऐसा करोगे तो आपको ईथर भी नंबर पता चल जाएगा। तो इसका कितना आएगा 3 और एल्कोहल में कितना आएगा 4, ठीक है। ओके, तो आगे करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन को। अगला सवाल अगर इस तरीके से हो कि C5H10O का कीटोन कितने कीटोन्स बन सकते हैं, या C5H10O में कितने एल्डिहाइड्स बन सकते हैं, तो पहले आप बात आनी चाहिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की। यहां पर भी सेम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आएगा क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है। तो बताइए नंबर ऑफ कार्बन प्लस 1 लिखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन प्लस 1 5 प्लस 1 माइनस 10/2, तो कितना आएगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आएगा। और कीटोन बनाना है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 की जरूरत पड़ेगी भी। कैसे पड़ेगी, देखिए कीटोन कैसे लिखा जाता है बताइए। एक ऐसा कार्बन जिस पर डबल बॉन्ड O हो और इसके अगल बगल में क्या होना चाहिए, कार्बन होना जरूरी है, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कीटोन। तो अगर ऐसा सिस्टम बनाना है तो एक पॉइंट ध्यान में रखो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाना है। अगर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाना है तो हमें कम से कम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तो चाहिए ही चाहिए। क्यों, क्योंकि एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहाँ पर पाई बॉन्ड बनाने में खर्च हो रहा है। शायद समझ में आ रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा करैक्टर देखो, ये कार्बन कैसा होगा, ये कार्बन 2 डिग्री होगा, हमेशा 2 डिग्री कार्बन पर ही कीटोन का डबल बॉन्ड ओ लगेगा। क्यों, क्योंकि अगर ये डबल बॉन्ड ओ उठा करके आप यहाँ किनारे लगा दोगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन रहेगा। जैसे यहाँ पर आइए, यहाँ पर भी कितना आएगा, DU 1 आएगा। अब बताइए एल्डिहाइड कहाँ बनता है, जैसे आप 3 कार्बन ले लीजिए, इसमें आप एल्डिहाइड क्या बीच में बनाएंगे, नहीं, क्योंकि आप बीच में बनाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। इसीलिए अगर उसको एल्डिहाइड बताना है तो हमें कहाँ लगाना पड़ता है भैया, किनारे की तरफ। अगर किनारे की तरफ लगाओगे तो यहाँ हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ 2H2 और SSCH3 कुछ करके, ये बस समझाने के लिए लगा रहा हूँ, ठीक है। 4 कार्बन इस तरीके से, अगर 5 कार्बन है तो ये बनाया जा सकता है, कुछ एक ऐसा समझाने के लिए मैंने बना दिया। क्या बता रहा हूँ, अगर आपको एल्डिहाइड ढूंढना है ना, तो एल्डिहाइड के लिए सिर्फ आप क्या ढूंढिए, 1 डिग्री कार्बन, क्योंकि एल्डिहाइड कभी भी हमेशा 1 डिग्री पर ही बनेगा, कभी भी नहीं बल्कि हमेशा कहाँ बनेगा, 1 डिग्री कार्बन पर ही बनेगा। वो कभी भी 2 डिग्री पे नहीं आ सकता, क्योंकि अगर 2 डिग्री पर आया तो वो कीटोन हो जाएगा, और 3 डिग्री पे तो कतई बन नहीं सकता, क्योंकि 3 डिग्री कार्बन, ध्यान सुनो, एक ऐसा कार्बन जिससे 3 कार्बन जुड़े हों, क्या उस पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाया जा सकता है, जवाब है नहीं। क्यों, क्योंकि इसका कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए बहुत ही आसान सा तरीका, क्या बोल रहा हूँ, केवल उस पॉइंट को पकड़ो, कीटोन के लिए हमें क्या ढूंढना है, 2 डिग्री कार्बन, एल्डिहाइड के लिए हमें क्या ढूंढना है, 1 डिग्री कार्बन। कितना आसान है, चलिए देखते हैं। कार्बन नंबर कितना, 5। अगर कार्बन नंबर 5 है तो आप क्या बनाएंगे भैया, पहले 5 कार्बन की एक सीधी चेन बनाओ, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 कार्बन की एक सीधी चेन बनाया। इसके बाद 4 कार्बन की एक सीधी चेन बनाओ जिस पर एक यहाँ लगा दो, ठीक है, देख लीजिए 1 कार्बन यहाँ लगा दीजिए। अगला 3 कार्बन की बना के आप यहाँ और यहाँ लगा दीजिए। तो ये 3 पॉसिबल हैं जब आप सिर्फ C5 को टच करेंगे, ठीक है। तो मैं सिर्फ C5 से ये बना रहा हूँ, ठीक है, ए साइक्लिक बनाऊंगा। क्यों ए साइक्लिक बनाऊंगा, क्योंकि हमें कीटोन बनाना है तो कीटोन में डबल बॉन्ड ओ में 1 DU खर्च हो जाएगा। अगर 1 DU खर्च हो गया तो अगर हमारे पास डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नहीं है तो हम रिंग तो नहीं बना सकते ना भाई, ठीक है ना, समझ पा रहे होंगे शायद। तो आप क्या ढूंढना है, हमें 2 डिग्री कार्बन कितने प्रेजेंट है। देखिए ये 1 डिग्री है, ठीक है, देखते हैं, ये 2 डिग्री प्रेजेंट है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। 2 डिग्री क्यों, क्योंकि इससे कितने कार्बन जुड़े हैं, 1, 2, इससे कितने, 1 और 2, जिससे 2 कार्बन जुड़े होंगे उसी को 2 डिग्री कार्बन बोलेंगे। अब देखो इसको नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि ये और ये तो सेम है, तो जब 2 सेम चीजें हों तो उनमें से एक सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ आइसोमर्स प्रिंट करने जो एक दूसरे से अलग हो, ठीक है। अब यहाँ पर आप आइए, यहाँ पर सिर्फ एक ये ऐसा है कि जो 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। तो यहाँ पर देखिए कोई भी ऐसा नहीं है जो कि 2 डिग्री है, सब के सब 1 डिग्री या क्वार्टनरी है ये कार्बन, 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो आप बताइए कितने मिलेंगे, तो आंसर आ गया 3 कीटोन पॉसिबल है। इसमें कितने कीटोन पॉसिबल है भाई, 3 कीटोन। चलिए देखते हैं कैसे, इस स्ट्रक्चर में 2 दिख जाएगा, आप अगर ये 5 बना ले इस तरीके से तो आपको 1 मिल जाएगा, स्टार यहाँ पे लगा है तो यहाँ पर बना लीजिए, दूसरा आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर लगा लीजिए। तो देखिए 1 ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, 2 यहाँ से निकलेगा और 1 यहाँ से, यहाँ से क्या निकलेगा भाई, ऐसा देखिए यहाँ बनाया, इसको इस तरह से बनाया और यहाँ पर क्या बना दिया, डबल बॉन्ड हो, तो ये 3
पॉसिबिलिटी है, 1, 2, 3 कीटोन बनाने की 3 पॉसिबिलिटी है, और इसमें हम कहीं भी कीटोन नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि यहाँ पर 2 डिग्री कार्बन प्रेजेंट नहीं है। ओके, चलिए अब एल्डिहाइड पर आते हैं। एल्डिहाइड में हमें क्या ढूंढना है भाई? 1 डिग्री कार्बन। सेम तरीका C5 को हमें क्या करना है, फिर से C5 को क्या करो, 5 कार्बन की एक चेन बनाओ, अगले में 4 कार्बन की एक चेन बनाओ, और उसके बाद आप बना सकते हो, यहाँ बना देता हूँ 3 कार्बन की चेन, और आप यहाँ ऐसे लगा सकते हो। ठीक है, तो ये 3 पॉसिबिलिटी होती है भाई C5 में। अरे अभी यहाँ तो पढ़ा हमने 1, 2, 3। ठीक है, अब हमें लेकिन एल्डिहाइड बनाना है, तो एल्डिहाइड के लिए हमें 1 डिग्री कार्बन टच करना है, छूना है। देखते हैं क्या होगा। ये देखिएगा, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन सेम है, देखिए कोई भी इन्वायरमेंट में असर नहीं है, अलग नहीं है, तो ये और ये सेम है, तो उनमें से हम एक सेलेक्ट करेंगे, बाकी ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री है, 2 डिग्री, तो वो सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सिर्फ 1 डिग्री। ये देखिए, ये वाला कार्बन और ये कार्बन दोनों सेम है, तो दोनों सेम है, इसलिए हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, ये छोड़ दिया। ये कैसा, 3 डिग्री, वो हमें नहीं चाहिए, 2 डिग्री नहीं चाहिए, लेकिन ये अलग है, ये कार्बन और ये कार्बन अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि इसके बगल में मिथाइल नहीं है, जबकि इसके बगल में मिथाइल लगा हुआ है। तो 2 यहां से मिल गए, 1 यहां से, और यहां पर देखिए जो ये कार्बन बने, 1, 2, 3, 4, ये 4 के चारों कार्बन किनारे के एग्जैक्टली सेम है, आइडेंटिकल हैं, इनमें से हम एक को सेलेक्ट कर लेंगे, तो टोटल कितने, 1, 2, 3, 4, तो कितने एल्डिहाइड पॉसिबल हैं भाई, 4 एल्डिहाइड पॉसिबल हैं। ओके, तो देखिए अब इसमें से अगर प्रोडक्ट बनाना हो कैसे बनाएंगे, अब 5 कार्बन बना लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, और इसमें किनारे क्या लगा दीजिए, एल्डिहाइड। अगर आप इससे बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो ये हो गया आपका पहला, इससे आप बनाएंगे दूसरा, दूसरा बना के देखते हैं भाई ऐसा होगा, तो यहाँ पे आप क्या बना सकते हो, C डबल बॉन्ड O और H, ये हो जाएगा दूसरा। अगर आप तीसरा बनाएंगे तो यहाँ पर बनाना पड़ेगा, तो देख लीजिए कैसे बनाना है, देखिए 1, 2, 3, 1, 2, 3 के बाद यहाँ पर क्या बना दीजिए, C डबल बॉन्ड OH, शायद समझ में आ रहा हो, C डबल बॉन्ड OH यहाँ पर लगा देंगे तो ये वाला बन जाएगा। अगर आप इसको बनाएंगे तो क्या बनाएंगे भाई बताइए, फोर्थ पॉइंट में आप ऐसा स्टार टाइप को देखिए, ये क्रॉस में क्या करिए, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है भाई, शायद दिख रहा हो, नहीं दिख रहा तो आप इसी में कर सकते हो, स्टार 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 स्टार, ये 4 आपको दिख रहे हैं, तो 4 एल्डिहाइड पॉसिबल है। देखो इसी सवाल को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, कैसे, ये सवाल वो कर सकता है कि बताइए C5H10O में कितने एल्डिहाइड और कीटोन दोनों कितने बनेंगे। ठीक है, तो क्या करेगा, 3 ये और ये 4, तो दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, 7 कीटोन या एल्डिहाइड मिलाकर के बनेंगे। ओके, तो इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जहां एक नए चैप्टर की हम शुरुआत करेंगे।